हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा बनाने में किन किन चीजों पर हमें ध्यान देनी है, कितना मेजरमेंट लेना है और कैसे कम से कम समय में हम इतना बेहतरीन गाजर का हलवा बना सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह का परफेक्ट मेजरमेंट वाला गाजर का हलवा अगर आपको बनाना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और कैसे कम से कम समय में हम इसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 kg गाजर। तो गाजर को अच्छी तरह से वॉश करके छील लीजिए। और जब भी आप गाजर लें हलवा के लिए तो पतली वाली गाजर लें, तो पतली वाली गाजर का ही इस्तेमाल करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है। अब यहाँ पर ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे इसे। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए इसे बारीक वाली ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो गाजर का हलवा कम से कम समय में बनेगा। तो आप कोशिश करें कि बारीक वाली ग्रेटर से ही ग्रेट करें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पर एक पैन लेंगे और उसमें 2 tablespoons घी डालेंगे। घी जब मेल्ट हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ सभी गाजर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सभी गाजर को डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। यहाँ पर गाजर को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसे मिला करके थोड़ी देर के लिए 5 से 7 minutes तक इसे ढक करके पकने देंगे। ढक कर पकाने से क्या होगा कि आपका गाजर जो है जल्दी सॉफ्ट होगा और इसका पानी जल्दी से जल्दी सूखेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे ढक दिया है। अब देखते हैं थोड़ी देर के बाद, 5-6 minutes हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, गाजर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और इसका पानी भी लगभग सूख गया है। तो सबसे पहला स्टेप है कि गाजर को अच्छी तरह से हमें पकाना है 5-6 minutes के लिए, और जब गाजर सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। तो ये लीजिए, गाजर सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम लेंगे रूम टेम्परेचर का ही दूध लेना है यहाँ पर। तो दूध 1 kg गाजर के लिए 1/2 liter दूध इस्तेमाल करेंगे। तो दूध कैसा लेना है जिससे कि आपके गाजर के हलवे में मावा का टेक्सचर आए, तो इसके लिए क्या करेंगे कि दूध को सबसे पहले हमें थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। 3-4 उबाल आने देंगे। जब दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए उसके बाद हम 2 cups दूध लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हलवा बनने में समय कम लगेगा और हलवे में मावा का टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पर दूध डाल करके भी थोड़ी देर से ढक करके पकाएंगे। और उसके बाद बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए, इसी तरह से फिर से लिड रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। ये देखिए, लगभग दूध सूख गया है ना, और गाजर भी अच्छी तरह से पक चुका है। और अब यहाँ पर हलवा अच्छी तरह से बन गया है तो हम डालेंगे यहाँ पर 1/2 cup चीनी। तो चीनी अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो 1 to 2 spoons आप चीनी बढ़ा सकते हैं। अब इसे मिला देंगे। दूध जब अच्छी तरह से सूख जाए तभी हम इसमें चीनी डालेंगे। अब इसे वापस से ढक देंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसे खुले में 5-6 minutes हमें पकाना है ताकि गाजर अच्छी तरह से सारे चीनी को अब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए, हलवा ड्राई लग रहा है ना। और इसको देखिए, चलाते हुए मैं चला रही हूँ तो ये हलवा जो है पैन को छोड़ रहा है, तो ये साइन है कि आपका हलवा बन गया है। तो हलवा जब बन जाए तो उसके बाद हम डालेंगे 1 tablespoon जितना घी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, काजू और पिस्ता। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। अब इसे डाल देंगे। और अब यहाँ पर 1/2 tablespoon जितना लेंगे इलायची का पाउडर। तो इलायची का पाउडर लास्ट में ही डालें, पहले डालने से इसका फ्लेवर चला जाता है, तो इसे बाद में ही डालिएगा। अब इन सभी को मिला देंगे। ये देखिए, अगर आप घी ज़्यादा यूज करना चाहते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो थोड़ा यहाँ पर घी और बढ़ा सकते हैं। अगर घी कम यूज करिएगा तो घर के बड़े बच्चे सभी इसे अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। तो गाजर का हलवा कम घी में भी बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए,
मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब इसे प्लेटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए गाजर का हलवा बनकर तैयार है। कितना परफेक्ट गाजर का हलवा बना है ना। इस तरह का परफेक्ट गाजर का हलवा बनाने के लिए, वो भी ट्रेडिशनल स्टाइल, जो जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं उन सभी को फॉलो करिएगा तो आपका हलवा एक घंटे नहीं बिल्कुल आधे घंटे में बनकर तैयार होगा। इस तरह का परफेक्ट हलवा बनाने के लिए आप सारे टिप्स को फॉलो करिएगा, आपके हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो चलिए, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।